एकदम मजा में। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, वेलकम टू द व्लॉग। और आप कैसे हैं ये पहले तो आप मुझे बता दीजिए। रही बात मेरी और अवनी की, तो हम अभी बहुत खुश हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं और उसमें से कारण है कि हम अभी कितने बजे हैं, पांच बजे है और हम जा रहे हैं एक उम्दा आदमी को लेने के लिए। वो अभी आए हैं इधर फूडी, गुजरात फूडी। तो अभी वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं, हम उनको अभी पिक करेंगे। और लगभग तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, तो हम अभी कमलेश भाई को मिलते हैं। फिर दो तीन प्लान है, तो देखते हैं कौन सा एग्जीक्यूट करेंगे। हम पूरा एक माइंड में एक सेटअप है, उनका माइंड में भी एक सेटअप है, उसमें कितना एग्जीक्यूट होता है देखते हैं। अभी तो 5 ही बजे, अभी तो पूरी रात बाकी है। Yes. तो आप बने रहिए दोस्तों। लो जी, हम पहुंच चुके हैं एड्रेस स्काई व्यू पे। जैसे ही मंदिर एंटर होता है ना, देखिए सामने कितना मस्त डिजाइनिंग किया हुआ फ्लावर है, और साथ में ये फाउंटेन भी देखिए इतना मस्त है, और ये इन दोनों की लाइटिंग तो जबरदस्त ही है। अभी हम इनको एक चक्कर लगा के जाने वाले हैं पार्किंग में, और पार्किंग में हम आपको मिलवाते हैं कमलेश मोदी जी को। चलिए दोस्तों, मिलिए हमारे खास एवं मित्र, अब तो मित्र बन गए हैं, फैमिली फ्रेंड हो गए हैं। इनको बहुत फॉलो करते थे, ये बहुत बड़े फूड ब्लॉगर हैं, कमलेश भाई मोदी। गुजरात, महाराष्ट्र ये सब तो जानते ही है, फिर भी कोई नहीं जानता है तो ये कमलेश मोदी द फूडी है। इनके एक भाई भी है आरजे रोनी मोदी, उसको हम मिस कर रहे हैं, वो अभी नहीं आए। तो रोनी भाई, दूसरे एक राज भाई भी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन इतना ही हमको मौका मिला तो बहुत बढ़िया है। और आज हम आए हैं ये एड्रेस स्काई व्यू करके, ये होटल है हमारे ऊपर, हम अभी बेसमेंट में यहाँ पे हमने अपना गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी रख दी है, और वो कहाँ पे डाला है वो फोटो भी पड़ लिया है, ताकि हम कमलेश मोदी को मिलने की खुशी में भूल ना जाए ना। इसीलिए हमने गाड़ी इस जगह पे B1 पे पार्क की थी। तो फिर अभी यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, फिर एक ऑब्जर्वेशन डेक है, वहाँ से हम पूरा बुर्ज खलीफा वगैरह बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। तो हमारी तरफ से छोटा सा एक कमलेश भाई को गिफ्ट है, और उसके बाद बहुत सारा प्लानिंग है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप बने रहिए। कमलेश भाई वेलकम, केम छो तमे? બસ મજામાં છું, તમને આજે છે ને બાળપણની યાદો આવી જશે, લપસિયા ખાવાના। યસ, આજ હમ લપસિયા ખાયેંગે। તો ફિર આઈએ જો હમારા હમારા પાસે ટિકિટ કી પ્રાઇસ ભી બતાનો ભાઈ, કે કે પ્રાઇસ કમ્પેર કરોગે તો કિતના પર પર્સન 80 દિરહમ હે। તો હમ અભી 3 ટિકિટ લેંગે, અબ બહેન મમ્મી ડેડી ઓર મામા સબ યહાં પે નહીં હે, ઓર ઇનકા ફેમિલી યહાં પે નહીં હે, તો જબ વાપસ આયેંગે તો હમ વાપસ આયેંગે, હમ તો યહીં પે હે ના। કમલેશ ભાઈ કે લિયે તો आजकल दूसरा वो बन गया है, वो दूसरा आंगन बन चुका है, जो दुबई है वो। दुबई हमारा है, यहाँ की 240 रुपया टिकट हुई तीनों की। और मैं अभी काउंटिंग कर रहा हूँ, इंडिया का 5,520 रुपीज इंडिया के हुए। इनके सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो 50,000 भी डाल दूँ कोई बात नहीं है। कॉमन है, बोला कॉमन इज वेरी कॉमन। और ये हमारे पास देखिए एक और बड़ी हस्ती है, उसको मैं थोड़ा फुटेज दे देता हूँ, ताकि उसको ऐसा ना लगे मैंने तो कोई ले तू नहीं थी भाई। चल भी जाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं स्काई व्यूज ओपन नाउ, और इधर से शायद हमको अंदर जाना है। तो अभी वो अभी लखन गए हैं अंदर कि हाँ हमको इधर से जाना है कि आगे से जाना है, तो वो भी हम देख रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ पड़ी थी ना, तो हमने सारी गाड़ियाँ देख ली है। आपको कौन सी गाड़ी लेनी है उसमें से? ओहो वाह, वो उधर पड़ी हुई है तो वो लेनी है। अभी लखन क्या मिला कुछ? यही से आओ, तो चलते हैं ऊपर। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, अंदर आते ही लखन गए हैं टिकट लेने के लिए, और हम लोग वेटिंग एरिया पे वेट कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है, और सामने सिक्योरिटी चेकिंग भी है। तो अभी हम टिकट लेके जा रहे हैं अंदर, लखन और मोदी जी जा रहे हैं आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। पहुँच गए हैं लिफ्ट की, और लिफ्ट में हम 53 माले पे जाने वाले हैं, और ये हमारी लिफ्ट शुरू हो गई है और काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया है। अभी हम फटाक से पहुंच जाएंगे कुछ ही मिनटों में ऊपर 53 माले पे, और देखिए नज़ारा कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। बहुत ही अच्छी सी लाइट दिख रही है, अच्छी सी बिल्डिंग भी दिख रही है, और हम नज़ारा को एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम पहुँच गए हैं 53 माले पर,
डोर ओपन होता है और ये जो भाई साहब है हमको गाइड कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे लेफ्ट साइड की ओर और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी लाइटिंग लगाई हुई है। जो यहाँ पे सीढ़ी रखी हुई है ना वो भी बहुत प्यारी है। अभी उनकी मदद से हम जाएंगे नीचे की ओर और नीचे से हम पूरा का पूरा व्यू देखेंगे। पेश करते हैं आपके सामने लाजवाब दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। बहुत सारी तालियां। देखिए दोस्तों कितनी मस्त देख रही है और ये नज़ारा ना बहुत ही अमेजिंग है। और ये लाइटें देखिए, ये पूरा एरिया देखिए दोस्तों, और स्पेशली वो छोटी छोटी गाड़ियां हैं ना, उसकी छोटी छोटी लाइटें हैं ना, वो ऊपर से देखने का मज़ा ही अलग है। और अभी हम 53 माले पे हैं और ये जो पूरा का पूरा ग्लास से बना हुआ है हम उसके ऊपर चल रहे हैं और ऊपर से ना नीचे का नज़ारा देख रहे हैं। कोई लोग ना इसके ऊपर चलने से घबराते हैं और कोई लोग नहीं घबराते हैं, तो हम बस ऐसे ही सारी चीज़ों को देख देख के मज़े ले रहे हैं और छोटी छोटी गाड़ियों को देख के ना मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और अभी हम देख रहे हैं बुर्ज खलीफा और बुर्ज खलीफा के नीचे फाउंटेन अभी हो रहे हैं, शायद आपको दिख रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए वो आपने शायद हमारे पुराने वीडियो में देखा होगा, हम नज़दीक से देखते, अभी हम उससे थोड़ा दूर दूसरी बिल्डिंग पे खड़े होके वो सारे फाउंटेन देख रहे हैं। बढ़िया नज़ारा है, वो दूर से भी इतने खूबसूरत दिख रहे हैं और पास से बहुत ही अमेजिंग दिख रहे होते हैं। स्काई स्लाइड फाइनली हम पहुंच गए हैं। लखन और मोदी जी जा रहे हैं आगे आगे, मैं जा रही हूं उनके पीछे पीछे, तो मैं तो फुली एक्साइटेड हूं। वो लोग थोड़े से वीडियोस फोटोज लेंगे ऊपर से सारे नज़ारे का, और सबसे पहले मैं करने वाली हूं। यस, तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूं, अभी मैं बैठ जाऊंगी। वो लोग ना सारी चीज़ें मुझे सिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से पकड़ना है। उसी मोमेंट पे मेरी ईयरिंग्स गिर जाती हैं, तो मैं पहले अपने ईयरिंग्स को पहनूंगी क्योंकि फ़ोटो और वीडियो अच्छे आने चाहिए। उन्होंने बोला अच्छी तरीके से टाइट से पकड़ना, वरना आप गिर सकते हो, तो फिर मैं ऐसे ऊंधे माथे पे पड़ जाऊंगी ना दोस्तों, ऊंधे माथे गिर जाऊंगी। तो अभी मैं खिसक 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 के जा रही हूँ और ये मैंने धक्का लगाया और मैं नीचे लसर गई दोस्तों। तो अच्छी वाली लसर पट्टी मैंने एंजॉय की हुई है और ये देखिए मैं कितनी हैप्पी 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 नीचे आ रही हूँ। वो लोग मेरा फ़ोटोज़ भी ले रहे हैं, मेरा वीडियोज़ भी ले रहे हैं और साथ में नीचे का नज़ारा भी देखिए दोस्तों। अभी बारी आती है लखन की, वो रेडी हो गए हैं, उनके पे ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो वो अच्छी तरीके से ना उसको रखने के लिए शायद उनको दिक्कत आएंगी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है, अच्छी तरीके से उनको पकड़ लिया है। वो भी आगे की ओर जा रहे हैं, फ़ोन उनको साथ में लेके जाना है, मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि मुझे लगे कि शायद फ़ोन मेरे हाथ से गिर जाएगा और टूट जाएगा, तो अभी उन्होंने अपना फ़ोन संभाल के रख दिया है और अभी वो जा रहे हैं नीचे की ओर करके। वो भी निकल गई है, बढ़िया सा व्यू एंजॉय करते करते वो जा रहे हैं आराम से। उनका भी उधर फोटो खींचा है, बढ़िया सा उनका भी वीडियो आया है और साथ में ये मोदी जी भी आ गए हैं, वो लास्ट में आए थे, वो भी मस्त वी 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 करके नीचे आ रहे हैं। हम तीनों ने ना बड़ी तरीके से इंजॉय किया है सभी चीज़ों को और व्यू भी हमने इंजॉय किया, नीचे का नज़ारा भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। ऐसा व्यू हो और फोटो और वीडियो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैं रेडी हो गई हूँ लाखों करोड़ों फोटो और वीडियो लेने के लिए और साथ में लखन भी ऑलमोस्ट रेडी है क्योंकि यहाँ पे ना ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो हर इंसान को लगेगा कि भाई यहाँ पे आए हैं और फोटो और वीडियो ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं लखन के वीडियोज़ ले रही हूँ, यहाँ से बोल भी रही हूँ कि आप ना ऐसे ऐसे एक्शन करो, लेकिन कांच है उसको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि उस जगह पे ना एक ही पर्सन को अलाउड है, आप उसके सामने से खड़े रह के फोटो और वीडियो नहीं ले सकते हो। तो वो भी आ रहे हैं सामने की और मुझे बोल रहे कि तू वापस आ जाए। तो मुझे अगर लखन पे गुस्सा आ रहा है तो मैं इधर से बोल सकती हूँ क्योंकि उधर उसको कुछ नहीं सुनाई देगा। बोलेगा जितना भी गुस्सा निकालना निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि हम इधर खड़े थे ना, इधर इधर यहाँ पे आई थी, हम बड़बड़ करते थे, मैंने हम थी मैं तो कहीं किए थे, पोस्ट चेंज करना।
मैं ढूंढने को चला हूँ इनका जैकेट जैकेट भूल गई है उन्हें। नहीं, मैंने एक्सप्लोर कर सके उसके लिए उसको ऊपर छोड़ दी क्योंकि नीचे जाके ज्यादा देख सके ना। आओ देखते हैं। वो लोग आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। तो अभी मस्त हमने वो स्लाइड को ना एंजॉय किया हुआ है, मैंने तो दो दो बार किया हुआ है तो बहुत ही मजा आ गया है। वहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे थे। और अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए, डिनर के लिए। तो मैं, कमलेश भाई और लखन अभी पार्किंग एरिया में है, गाड़ी निकाल के हम जाएंगे सीधे घर पे। हमारा डिनर और जो घर की मस्ती है ना दोस्तों, वो दूसरे वीडियो में आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौज कीजिए। कमेंट करे रख जो वाली डाओ। बाकी तमे चू लेने आई बात है ना, चू लेने जासो मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।